आज ऑपरेटिंग सिस्टम की ही क्लास है, कोड है CS203। पिछली क्लास में मैंने आपको इसके फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ाया था। आज की क्लास में इसी को दोबारा से समरी करके और लास्ट वाला जो पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, ये दो चीज़ मैं आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, अच्छा सबसे पहली बात यह है कि आपको अपना सिलेबस BTR की वेबसाइट से हमेशा डाउनलोड कर लेना है। ऊपर ये वाला आपको यहाँ पर इसका लिंक भी दिख रहा है, वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है कोड आपका 203 ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला जो पॉइंट है जिसको कि पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, इसको अगर आप देखेंगे तो लिखा ही किस वे में है, जैसे कोई क्वेश्चन हो व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एज़ इट इज़ यूं का यूं आपके हर पेपर के अंदर आपको लगभग मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपना सब्जेक्ट है उसको अपन को इसी वे में देखना है कि है क्या चीज़, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। लास्ट क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है। तो मैंने बताया था एक सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर भी कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसी पॉइंट को डिस्कस करते हुए और लास्ट पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज को देखते हुए आज की क्लास अपन ख़त्म करेंगे। आइए सबसे पहले इसको देखते हैं व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इंट्रोडक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैंने आपको एक डायग्राम भी बताया था, वो डायग्राम दोबारा से आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। इंटरमीडिएटरी प्रोग्राम है, किसके बीच में, इंटरमीडिएटरी मतलब बीच में, किसके बीच में है, एक यूज़र और उसके कंप्यूटर इंटरफेस के बीच में। क्या है, यूज़र और उसके कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक प्रोग्राम है, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देख लीजिए ये जो डेफिनेशन है आपको इसी वे में अगर आप लिखेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या होते हैं, जो कि मैंने पिछली अपनी डेफिनेशन में भी लिखा था, क्या करता है, यूज़र के प्रोग्राम्स को और प्रॉब्लम को सोल्व करने आसान बनाता है। यानी कि हम जो भी कंप्यूटर के ऊपर काम करना चाहें उसको आसानी से एग्जीक्यूट करवाए, ऐसा काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दूसरी चीज़, मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़, मतलब यूज़ करना भी क्या बनाए, आसान बनाए। जैसे अब इसके मैं अंदर मैं एग्जांपल देऊं तो विंडोज़ अपन यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप के ऊपर आइकन होते हैं, तो आइकन को अपन कभी कॉपी करें, पेस्ट करें, इधर से उधर मूव करना, ये सब आसान कौन बना रहा है अपने लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आसान बना रहा है। थर्ड क्या है, यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। यूज़र यानी कि अपने लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ चीज़ कन्वीनियंट कर ही रहा है, हार्डवेयर जो होता है यानी कि कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको भी आसान तरीके से या एफिशिएंटली वो क्या करता है, हैंडल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना आसान बनाता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखता है कंप्यूटर सिस्टम यूज़र के लिए, और हार्डवेयर को एफिशिएंट मैनर में रन करवाता है। अगर अपन बात करें कि कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए चार चीज़ों से कंप्यूटर सिस्टम मिलके बनता है। उसमें से पहली चीज़ है हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब है आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम, जैसे CPU हो गया, CPU आपके कंप्यूटर में लगी हुई मेमोरी हो गई, और जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हो गई, वो सब मिलके बनता है आपका हार्डवेयर। दूसरी जो कंप्यूटर सिस्टम की इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हार्डवेयर को और यूज़र के एप्लीकेशंस को यूज़र के लिए रन करवाता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। जैसे आपका आप कंप्यूटर के ऊपर वर्ड
कि एक कोई फाइल बना रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, ये सब आपके क्या होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम का तीसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है यूज़र, यानी कि अपन जो कि कंप्यूटर चला रहे होते हैं। तो वापस से समराइज करूँ, एक हार्डवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और यूज़र, ये सब मिलकर के, चार चीज़ें मिलकर के क्या बनता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम बनता है, जिसको कि नेक्स्ट इस डायग्राम में भी शो कर रखा है। जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कहाँ पर रहता है, बेस लेवल पर रहता है। और यूज़र के प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम कहाँ रहते हैं, टॉप लेवल पर रहते हैं, जिनसे कि यूज़र डायरेक्टली कनेक्टेड, जैसे यूज़र वन से लेकर के एन तक यूज़र एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं, कोई कंपाइलर के साथ काम कर रहा है, कोई असेंबलर के साथ कर रहा है, कोई टेक्स्ट एडिटर के साथ कर रहा है। और इन सब एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इधर से भी वर्क, इसको भी कन्वीनियंट वे में वर्क करवाता है, इधर अपने को एफिशिएंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और खुद बीच में हाइड होके रहता है, हिडन होके रहता है। ये वाला डायग्राम आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बनाना ही बनाना है, नहीं तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स कभी भी नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर आपने ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, तो आपको पूरे में से अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स अगर कुछ भी थ्योरी लिखते हैं तब भी मिलेंगे आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है, ये डिपेंड करता है कि अपन उसको कैसे देख रहे हैं। अगर यूज़र्स के वे में देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ईज़ ऑफ यूज़, यानी कि अच्छे से अपने को यूज़ करवाता है कंप्यूटर के हार्डवेयर, और अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और हमारे हिसाब से ये रिसोर्स का यूटिलाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। इन सब चीज़ों को अपन और आगे की क्लास में क्लियर होती जाएगी। इसी तरह से ये मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर सिस्टम भी अगर आप सिलेबस में देखेंगे, तो आपके सिलेबस के सेकंड 1.2 के अंदर लिखा हुआ है, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर्स, तो इनको भी अपन अलग से पढ़ेंगे। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन फर्स्ट स्लाइड में भी दिखाई थी यहाँ पर, और पिछली क्लास में भी मैंने ये दोनों ही टर्म जिक्र की थी। यहाँ पर देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक रिसोर्स एलोकेटर भी है। क्या करता है, सारे रिसोर्स को मैनेज करता है। और दूसरी तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका कंट्रोल प्रोग्राम भी है, जो वेरियस प्रोग्राम्स हैं उनके बीच में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जिसको कहते हैं बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, वो कहाँ पर लोड होता है, रोम एक आईसी होती है उसमें लोड होके रहता है। यानी कि सबसे पहले जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो ये बूट स्ट्रैप प्रोग्राम ही सबसे पहले रन करता है। और कोई भी प्रोग्राम जो कि किसी मेमोरी में स्टोर्ड रहता है, वो क्या कहलाता है, वो फर्मवेयर कहलाता है। तो इनिशियलाइज करता है पूरे सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो ये तो था आपके पूरा किसके बारे में, 1.1 के बारे में, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम।